करते हैं आपका अपना YouTube चैनल टुडे अपडेट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न भर्ती यहां पे निकाली गई है और ब्लॉक लेवल वैकेंसी होने वाली है। झारखंड के किस ज़िले में यहां पे वैकेंसी आई है इसके बारे में बात करेंगे। क्या यहां पे वैकेंसी निकल के आई है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है और अप्लाई करने की प्रोसेस क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे और सारी चीज़ें बताएंगे एक एक करके कि किस ज़िले में वैकेंसी है और क्या यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके बताते हैं। उससे पहले बता दें कि आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए इसकी नोटिफिकेशन दिखाते हैं। पहला अगर नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो ये पहला नोटिफिकेशन है जिसमें से पद की अगर बात करें तो ये आपका प्रखंड समन्वयक का पोस्ट निकल के आई है। इसकी वेतन 18,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। 22 से 45 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे बता दें कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा। तो मान्यता प्राप्त शैक्षणिक विश्वविद्यालय संस्था से यहाँ पे दिया गया है कि रूरल मैनेजमेंट या को ऑपरेटिंग मैनेजमेंट या सोशल वर्कर में आपका ग्रेजुएशन की डिग्री जो है आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य रखी गई है। एक वर्ष का कार्य अनुभव रखा गया है जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा अगर पोस्ट की अगर बात करें, ये आपका लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का निकाला गया है जिसमें से 10,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और ये जो है 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से यहाँ पर ग्रेजुएशन की यहाँ पर दिया गया है कि वाणिज्यिक में यानी कि कॉमर्स विषय में इंटरमीडिएट आपके पास डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया है कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि DCA के साथ ये आपका 6 महीना का या आप कार्य अनुभव हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए। तो आपके पास अगर कॉमर्स से आप यहाँ पे 12th किए हैं और आपके पास अगर DCA की सर्टिफिकेट है, साथ ही साथ यहाँ पे 6 महीना का अगर आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की डेट की अगर बात करें तो 29/10/2022 से 19/11/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बात करें कि कैसे अप्लाई करनी है तो अप्लाई करने की ऑल प्रोसेस जो है ऑनलाइन होगी, जो कि ये जो है यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट के थ्रू आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो अप्लाई करने की सारी प्रोसेस के साथ साथ यहाँ पे सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताएंगे भी। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे दी गई है कि 10th और 12th जो है झारखंड राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य रखी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे दिया गया है रीति रिवाज भाषा परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है इससे रिलेटेड, जैसे कि देख सकते हैं। इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे बता दें कि ऑनलाइन जो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे उसके लिए यह आपका यहाँ पे सारी इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि अनुरूप आवेदन जो है ऑनलाइन आवेदन की मांग की गई है, सभी ये आपका वर्णीय से पूर्ण जो है रूपेण जो है भरना अनिवार्य रखी गई है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना का यहाँ पे संबंधित अभ्यर्थियों का आवेदन स्वयं यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे गलत सलत अगर यहाँ पे भर देते हैं तो आपका यहाँ पे स्वयं जो है वो आपको गलत कर दिया जाएगा यानी कि रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया था जैसे कि हम आपको यहाँ पे बता दिए। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया है इसके बारे में भी बात कर लें तो ये जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण साहेबगंज से निकाली गई है, ठीक है। ये जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ये आपका यहाँ पे PMU के सेल के अंतर्गत यहाँ पे आपको यहाँ पे रखा जाएगा, जो कि ये आपका साहेबगंज के ही कोई यहाँ पे ब्लॉक में ही आपको यहाँ पे रखी जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं और कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन और निकल के आई है जो कि लेखापाल का ये आपका नोटिफिकेशन है, जिसमें से अगर बात करें तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की तो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ये आपका विश्वविद्यालय से आपका BCOM में 50% उत्तीर्ण होना यहाँ पे रखी गई है। साथ ही यहाँ पे दिया गया है कार्य अनुभव की तो अकाउंट सेक्टर में ये आपका कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव रखी गई है। और वेतन की बात करें तो 20,000 रुपया पर मंथ यहाँ पे आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड यहाँ पे दिए गए हैं कि अन्य शर्तें क्या क्या रखी गई है इसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है कि स्वास्थ्य ये आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत जिला स्तरीय आपका कार्य करने से के लिए ये आपका यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें से ये आपका दिया गया है नियुक्ति लेखापाल के लिए ये आपका सारी चीज़ें दी गई है।
नेक्स्ट आयु सीमा की अगर बात कर लें तो ये आयु सीमा जो है मैक्सिमम जो है अधिकतम 55 वर्ष रखी गई है। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका लेखापाल पद के लिए ये आपका सारी चीज़ें यहाँ पे इससे रिलेटेड दे दी गई है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि भारत से का नागरिक होना अनिवार्य रखा गया है। और इसके बाद स्थानीय नीति को यहाँ पे अनुपालन कार्य प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के द्वारा संबंधित निर्गत प्रमाण पत्र का यहाँ पे अनुपालन किया जाएगा, ठीक है। तो आवेदन करना कैसे है इसके बारे में अगर बात करें तो आवेदन की जो यहाँ पे तिथि होगी, इच्छुक उम्मीदवार जो है जैसे कि मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्रमाण पत्र अनुभव प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित का छाया प्रति आपको यहाँ पे करके उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दिया गया है रिक्वायरमेंट dwsm.pakud@gmail.com ये जो है PDF बना करके 1/11/2022 तक 5 बजे तक आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे भेज देनी है, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे दिया गया है कि आपको बहुत इजी है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, अपना मेल से आपको एक PDF बनानी है जो कि ये सारी डॉक्यूमेंट्स का PDF बनाना है, 10th 12th इंटरमीडिएट और ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी यहाँ पे प्रमाण पत्र जाति आवासीय प्रमाण पत्र का PDF बना करके इस मेल ID पे आपको मेल कर देनी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/11/2022 से पहले करनी है, ठीक है, 5 बजे तक कर देनी है। अगर बात करें इसकी सिलेक्शन कैसे होगी तो ये जो है मेघा सूची के द्वारा होगा, जैसे कि ये देख सकते हैं कि 5/11/2022 को ये आपका मेघा सूची तैयार कर दिया जाएगा, यानी कि मेरिट लिस्ट के आधार पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाली है। तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं अपना मेघा सूची या तो मैं आपको यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको बता देंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा के लिए भी यहाँ पे डेट के लिए ये आपका इस वेबसाइट के थ्रू आपको बताया जाएगा कि क्या यहाँ पे डेट होगा, या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर के ये आपका यहाँ पे लिखित परीक्षा का जो सूचना है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करनी है, इसे आपको भरनी है और इसके साथ साथ यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के PDF बना करके आपको वहाँ पे मेल कर देनी है, ठीक है। तो इसे डाउनलोड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट करवा करके सारी चीज़ें भर के एक PDF बना करके उसे मेल कर दें, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन उपायुक्त अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छ पर ये आपका समिति पाकुड़ से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे कि आपको यहाँ पर हम बता दें। तो आप अगर इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे Facebook पेज पे, या आप मेरे Instagram पे जुड़ सकते हैं और वहाँ से भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।